यूँ तो आपने घर में ना आप आमरी और आंवला इलांची जरूर बनाई वाला, पर आज मैं आपने अंगूर इलांची बनानी बताऊला, क्योंकि बनाने का तरीको थोड़ा अलग होया करे न खाने में ना बहुत ही स्वादिष्ट बनना तैयार होया करे। तो राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा। इन वास्ते मैं 500 ग्राम अंगूर लिया हूँ, मैं हरवल अंगूर लिया हूँ, आप चाहो तो काला अंगूर भी ले सको या लाल अंगूर भी ले सको, उन्हें भी लांजी अपने अच्छी बनना तैयार वेला। अब इन अंगूर के पलाना दपा अलग कर लिया हूँ, इन तरह ऊपर सब दाना अपना अलग कर लिया एक बड़ा, इनमें खराब दाना वे जी का अपना निकाल लिया होना, खराब दाना नहीं लिया होना। इन तरह ऊपर सब अंगूर दाना अलग कर लिया हाँ, इन अमा तक एक पेस्टिसाइड वगैरह लागूड़ा होया करे तो अपन धोना जरूरी है, एक बार इन धो लिया वहाँ पर। तो अंगूर ने धो वास्ते मैं एक बॉल रे माँ इन्हें पानी लिया हूँ, सब अंगूर ने इनमें डाल दिया वहाँ पर अच्छी तरह। इन तरह अपना क्या मसल मसल ला धो लिया होना, इनमें तो पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा लागूड़ होया करे अंगूर मत है। अंगूर ने पाचा निकाल लिया तो अंगूर काफ़ी साफ हो गया देख लो। इन तरह पाना दो तीन बार चाहिए क्या साफ पानी धो लिया होना, अब मैं नल निकल जान धो लिया हूँ। इन तरह मैं सब अंगूर ने धो लिया हूँ, दो यार पचास आधा अंगूर ने पान लगभग बाहर निकाल लिया हूँ, दूसरी प्लेट में रख लिया हूँ। इन्हें आप पचा इस्तेमाल करा, आधा अंगूर ने मैं इन तरह निकाल लिया हूँ, आधा ने मैं इनमान रख लिया हूँ, इन्हें आप साइड में रख दिया हूँ। अब अंगूर की साइज़ के बड़ी बड़ी है क्या अपन इन थोड़ा थोड़ा काट लिया वहाँ पर, बड़ा अंगूर है तो तीन तीन पार्ट कर लिया, देखो इन तरह तीन तीन पार्ट कर लिया, छोटा हुआ आप दो पार्ट कर लीजिए, ऊपर थोड़ा काला हुआ तो आप निकाल लीजिए, इधर इजीली निकल जाए वाला, वो काला वाला पार्ट अपन नहीं डालना है। बहुत बार एड़ो होया करे कपा घर में अंगूर लेना हुआ उन टाइम अंगूर बहुत खट्टा हो जाया करे, अपा खावा तक ये दाँत रे मैंने अपने खट्टा खट्टा बहुत ज़्यादा ला गया करे, वे अच्छा नहीं लगा खून में। उन अंगूर आप लांजी बनावला तो बहुत ही स्वादिष्ट बनना तैयार वाला, पर उन अंगूर लांजी बनाते टाइम अपन किन बात का ध्यान रखना है वो मैं आपने आगे जरूर बताऊँगा। यू तुम्हारे चैनल में था पहले मैं आपने करी और आंवला इलांची बनावनी बताई ही, वो आप जरूर देखी वाला, नहीं देखे हुए तो उन्हें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दूला, जो ना आप आराम उन्हें देख सकोला ना आपने घर मैंने बनाने तैयार भी कर सकोला, क्योंकि करी और बार मौसम है तो करी इलांची बहुत ही अच्छी लग गया करे। इन तरह ऊपर सब अंगूर ने काटने तैयार कर लिया हाँ, आप देख रहे हो साइज, इन तरह ऊपर कटोरी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे ही होना चाहिए। अब भाई इन्हें अपना साइड में रख दे, एक पैन में मैंने अपना एक टेबल स्पून वजह तेल ले लें, आप चाहो तो इन जगह में तो घी भी डाल सको, न गैस ने अपना चालू कर दे वहाँ, बस तेल अपना गर्म हो गया है, तेल गर्म होया रहे बाद रहे मैंने अपना इनमें एक छोटा चम्मच वह दे सौंफ डाल दे वहाँ, और एक छोटा चम्मच वह दे कलौंजी डाल दे वहाँ। इनमें घी या तेल जिको भी डालो आप ज़्यादा मत डाल दो, बहुत थोड़ा सा डालना पड़े, और कम घी तेल रहे मैंने बहुत ही स्वादिष्ट बनने तैयार हो जाए। इन्हें साथ पाव छोटा चम्मच वह जीते अपना हींग डाल दे वहाँ, हींग भी नहाते आते पक जा वाला, ये सब चीज़ें अच्छी तरह पक गई है। अब जो अंगूर अपा काटने रखे हाँ वे अंगूर इनमें डाल दी वहाँ, अंगूर ने अपा अच्छी तरह पका लिया, इन तरह काटने डालो तो अंगूर लुक भी अच्छा होगा, अंगूर अपन अच्छी तरह पक जावेला। अब आधा छोटा चम्मच वे तो इनमें नमक डाल दी वहाँ, नमक डालने से कोई अंगूर अपन जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, आँच ने अपा थोड़े धीरे कर लाला और इन्हें ढक्कन लगान रख डाला, आँच नहीं तो हमारा धीरे करने ढक्कन लगान रखना अपन, जितने साइड में अपना अंगूर प्रक्रिया है उतनी देर मैंने अपा जगह अंगूर ने बचाने रखे है वहाँ पीस लिया वहाँ, तो मिक्सी में जार मैंने डाल दे वहाँ ढक्कन लगाने अपना पीस लिया वहीं। इन तरह अंगूर ने पीसना तैयार कर लिया, अपा एकदम मैं बनूँ जरूरत नहीं है, हल्का सा दद्दर रहे वाला तो भी चल जा रही मैंने, अपन ने छानना नहीं है इन्हें पेस्ट ने अपन यूज रखना है। जितनी देर मैंने अपा अंगूर पीसे हाँ उतनी देर मैंने पकता ना 2 मिनट हो गया है, अब वापस अपा देख लें, देखो अंगूर मैंने अच्छा पानी भी छूट गया है, अंगूरों कलर भी चेंज हो गया, देखो अंगूरों कलर काफ़ी चेंज हो गया, 2 मिनट मैंने देखो अंगूर अच्छे तो था सॉफ्ट हो गया ना, पानी छूट गया काफ़ी देर। तो इन टाइम रहा पाइन मैंने शक्कर डाल दी वहाँ, अब मैं 1/2 कप शक्कर ली हुई हूँ, 1/2 कप शक्कर डाल रही हूँ और 1/2 कप मैं गुड़ डाल रही हूँ, आप चाहो तो इन जगह मत है पूरा गुड़ भी डाल सको और पूरी शक्कर भी ले सको। मैं इन्हें एक ने मैं 1/2 कप लिया हूँ, एक ने मैं 1/2 कप लिया हूँ, तो 1/2 कप गुड़ और 1/2 कप शक्कर है। इन्हीं साथ जो का अंगूर पीस न रखे हाँ वे भी मैं डाल दी हूँ। इन्हीं साथ मैं आपने याद दिला दूँ कि आप हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करिया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजो, इन्हीं साथ जो घंटी वाला बटन है वो भी दबा दीजो, उन्हें दबाया बाद रहे मैंने ऑल ऑप्शन आया करें उन्हें दबाना भी जरूरी है, जो जरे भी हमारे वीडियो निकलेला आपने फोन रहे मैंने सब उपाली घंटी बाज जावेला। इन टाइम मैं आपने बता दूँ अंगूर आपका ज़्यादा खट्टा हुए तो आप गुड़ और शक्कर की मात्रा बढ़ा सको, और कम खट्टा हुए तो आप इन कम भी कर सको, अंगूर ज़्यादा मीठा हुए नहीं तो अपन गुड़ शक्कर कम डाल दे उन्हें, रेशियो आप अपने हिसाब को चेंज कर सको। अब इन मान पर एक छोटा चम्मच वेजित लाल मिर्ची डाल दे और आधा छोटा चम्मच वेजित हल्दी डाल दे, लांजी रे मैं ज़्यादा मसाला नहीं ला गया करें,
वो झटपट बनना तैयार हो जाया करो, और खाउंडा माने तो बहुत ही स्वादिष्ट बनना तैयार हुआ। अब आँच ना थोड़ी तेज़ कर लेवा और तेज आँच से माने पका लेवा। इनमें अपा कोई तरह पानी वगैरह नहीं डालना है। जिका आप अंगूर पीस ने डालिया नहीं उन्हें कारण जिन मायने कह चास नहीं बन जावेला। देखो शक्कर अच्छे तरह पिघल गया, इन मायने गुड़ भी पिघल गया। अब धीरे धीरे अपा इन्हें पका लेवा। इन तरह लंच बनाने मैं मारे घर में ज़्यादातर पने टार साथ सर्व कराया करूँ, जो खाने मैंने बहुत ही स्वादिष्ट ला गया करे। इन्हीं साथ आपने घर में मैंने करी बड़ा पकौड़ा बनाया हुआ तो उन टाइम उन हाथ भी आप लंच खाओ ला कह तो बहुत ही अच्छी लगेगा। जो खट्टी मीठी चटनी वह कह जू लगेगा। अब इन पकाता लगभग 2-3 मिनट हो गया है। 2-3 मिनट मैंने देखो आप कलर कितना अच्छा आ गया है। लांच दिखने मैंने किसमें से लांच वे कह जड़ी बनने तैयार हुई है। अब बार तो थोड़ी गिली लाग रही है, थोड़ी देर अपन और पकानी पड़ेगा। अबे 2-3 मिनट तक अपाई ने और पका लिया तो काफ़ी देखो गाड़ी पड़ गया। इन टाइम आपने इतनी गाड़ी नहीं लागती वाला, अब ठंडी हो जाए पचो और भी गाड़ी हो जाए वाला। अब आप गैस बंद कर देवा और गैस बंद करे बाद मैंने आप एक नींबू रस लियो मैं ऑयल में डाल देवा। नींबू रस करी भी अपन गैस बंद करे बाद में डालना। तो नींबू रस की खटाई इन साथ बहुत ही अच्छी लगेगा। इन्हें लांजी रमाइन इनो स्वाद बहुत ही अच्छा आवेला। तो आप लास्ट में डाल दो, मैं ठंडो करिया बचा आपने बताऊँ देखो लांजी कितनी अच्छी बनने तैयार हुई है। ठंडी हो गया बचा इनका टेक्स्चर थोड़ा और भी जाडो हो जाया करे। अब लांजी अपने पूरी ठंडी होगी है ना, आप देख रही हो अब है कितनी काटी होगी, देखो बहुत ही सुंदर लाग रही है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लाग रही है। इन तरह लांजी बनाना आप लीक टाइट डब्बे रमाइन डालने फ्रिज रे बारे भी रखो ला तो सप्ते भर भी खराब नहीं होला। पर और ध्यान रखना डब्बे रमाइन कोई तरह मॉइस्चर वगैरह नहीं रहना चाहिए, साफ डब्बो होना चाहिए। फ्रिज रमाइन रखो ला तो महीने पर भी खराब नहीं होला। तो आप भी लांजी आपने घर रमाइन जरूर ट्राई कर जो। बेर मिला सड़ी दूजे वीडियो रमाइन है। जब तक राम राम साहब।